हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद ललिता। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू स्टूडेंट्स हम लास्ट वीडियो में सीख चुके हैं कि प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो आज हम सीखेंगे स्टूडेंट्स फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट? फेस वैल्यू किसी भी डिजिट की फेस वैल्यू वो सेम ही होते हैं, फेस वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, जो नंबर है वही उसकी फेस वैल्यू होती है। ओके स्टूडेंट, लेकिन प्लेस वैल्यू में हम लोग क्या करते थे? प्लेस वैल्यू में हम उस डिजिट को वो जिस प्लेस पे है उस नंबर से हम मल्टीप्लाई करते थे। ओके स्टूडेंट, लेकिन फेस वैल्यू में ऐसा कुछ नहीं करना है। फेस वैल्यू वो नंबर खुद है, मतलब जैसे 8 है, 8 की फेस वैल्यू 8 ही होगी, वो चेंज नहीं होगी, वो सेम ही रहती है, वो डिजिट सेम ही रहता है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे मैंने 4 डिजिट नंबर लिया हुआ है। सबसे पहले हम ऊपर लिख देते हैं यहाँ पे प्लेसेस 1s, 10s, 100s, and 1000। ओके स्टूडेंट्स, अभी देखिए मैंने एक डिजिट को सर्कल किया हुआ है इसमें। अभी हमारा नंबर क्या है? 5678। इसमें देखिए 6 को सर्कल किया हुआ है। ठीक है, अब हम 6 की प्लेस वैल्यू भी निकालेंगे और 6 की फेस वैल्यू भी निकालेंगे। ठीक है, अभी देखिए इसके 6 की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी? प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज 6 मल्टीप्लाई 1s, 10s, 100। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, या सीधे 600 भी लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, 6 कौन से प्लेस पे? हमारा 100 के प्लेस पे, इसलिए इसकी प्लेस वैल्यू कितनी आई हमारी? 600। लेकिन अब हम इसकी क्या निकालेंगे? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू में कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स, फेस वैल्यू सेम ही रहती है, फेस वैल्यू ऑफ 6 इज 6। ओके स्टूडेंट्स, फेस वैल्यू चेंज नहीं होती, सेम ही रहती है। ठीक है, वो डिजिट सेम ही रहता है। एंड नेक्स्ट हम करते हैं, ये देखिए नेक्स्ट एक नंबर है 9863। ठीक है, तो ऊपर लिख देते हैं पहले 1s, 10s, 100s, and 1000। ठीक है, तो हमारी इसकी प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी? प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इज कितनी हो जाएगी? किससे मल्टीप्लाई होगा? 1000 से। तो कितना हो जाएगा? 9000। ओके स्टूडेंट्स, एंड 9 की हम फेस वैल्यू निकालेंगे तो फेस वैल्यू, तो आ नहीं रहा इधर, फेस वैल्यू ऑफ 9 इज 9। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।